वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजन ऑफ अ स्टेट। सो जैसे कि आपको पता है कि स्टेट ओरिजन को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी ने मतलब एडिक्वेट पॉइंट्स नहीं दिए हैं स्टेट ओरिजन के। तो और ना ही कोई ऐसा पर्टिकुलर रिकॉर्ड है कि ये बोला जा सके कि हाँ इस पॉइंट पर स्टेट का ओरिजन हुआ है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से हाइपोथेसिस दी है और उन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए अपनी अपनी थ्योरी बिल्ड की है, राइट? तो आज हम जो कवर करेंगे वो रहेगी डिवाइन ओरिजन थ्योरी। तो मैं पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि ये जो हमारा ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, जैसे कि मल्टीपल क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में आपके, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और सेकेंड थिंग कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो डिवाइन ओरिजन की जो थ्योरी है इसका एक बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी थी स्टेट, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, और डिवाइन ओरिजन जो हुआ है ये कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर रहा है। इसके बाद से मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजन ऑफ अ स्टेट, देन क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिवाइन थ्योरी है ये डिक्लाइन क्यों हुई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो डिवाइन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था डिक्लाइन हुआ और नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं स्टेट ओरिजन के, तो ये डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का ओवरव्यू है हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो आपको जो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो क्या ये सब चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। सी ये डिवाइन ओरिजन थ्योरी जो आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी है स्टेट ओरिजन को लेकर, कि स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इस कब कैसे क्या ऐसे पॉइंट्स थे जब स्टेट को फॉर्म किया गया था, तो ओल्डेस्ट थ्योरी आपकी डिवाइन ओरिजन है। और आपको पता है कि ओल्ड एज के टाइम पे जब ह्यूमन बीइंग जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में रहते थे उसमें फेथ बहुत ज़्यादा मैटर करता था इंडिविजुअल्स के लिए अकॉर्डिंग टू डिवाइन थ्योरी। सो रिलीजन हैज़ अ डोमिनेटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल। सो रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल था लोगों की डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ में, राइट? और इसका असर उनके ह्यूमन बींग के हर एस्पेक्ट पे पड़ा। तो उस समय क्या थी, अनार्की थी। जब स्टेटलेस सोसाइटी थी तो वहाँ पे क्या था, मतलब हम पहले ये डिस्कस करेंगे ना कि स्टेट के आने के पहले क्या सिचुएशंस थी, तभी तो हम बता पाएंगे कि ना भाई अब ऐसी ऐसी सिचुएशन थी कि स्टेट की ज़रूरत फील हुई तो स्टेट बनाया गया। तो स्टेटलेस सोसाइटी में बेसिकली अनार्की थी। अनार्की का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होना, कोई लीडरशिप नहीं होना इस तरीके का। तो इस तरीके का जो स्टेटलेस सोसाइटीज़ में जो रॉन्ग डूअर्स थे उनके साथ कैसे डील किया जाए, फॉर एग्जांपल जो पावरफुल लोग थे वो कम पावरफुल लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, राइट? अपने फोर्स का यूज़ कर रहे थे गलत तरीके से, दूसरों की प्रॉपर्टी ले रहे थे, राइट? ये रॉन्ग डूअर्स थे, इनके साथ डील कैसे किया जाए, कौन डील करेगा। और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ में क्या हुआ, रिसोर्सेज को लेकर फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उसको लेकर डिस्प्यूट्स है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स क्या होंगे एनार्किस्ट सोसाइटीज़ में, और ये जो अनार्किज्म एग्जिस्ट कर रहा था, जिस तरीके की मतलब सिचुएशंस थी उस समय पे, टर्मोइल था, अनरेस्ट था सोसाइटी में, तो ये क्यों किस लेता हायरार्की, मतलब टॉप पे कौन रहेगा, सुपीरियर कौन रहेगा, डोमिनेट कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंशियंट इंडियन सोसाइटी आपको याद है तो वर्ण सिस्टम बनाया गया। वर्ण सिस्टम में आप देखोगे कि कौन सा वर्ण ऊपर रहेगा, फिर उसके नीचे जो हमारे यहाँ फोर वर्ण है ना, राइट? तो ये वर्ण सिस्टम हायरार्की को मेंटेन करते हैं, हायरार्की को बताते हैं, और ये हमारे धर्मों में बताया गया। सो धर्म जो धर्म था या जो राजा को बोला गया कि इस धर्म को आपको मेंटेन करना है, इस धर्म को आपको इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है आपको, जो ये हायरार्की है, राइट? तो मेन जो स्टेटलेस सोसाइटी में थी वो हायरार्की का इशू था कि टॉप पोजीशन में कौन रहेगा, लीडरशिप कौन लेगा, पावरफुल कौन होगा ज़्यादा, राइट? उनकी अथॉरिटी क्या होगी, लोगों को वो कैसे क्यों रूल कर रहे हैं, अगर रूल कर रहे हैं ना, या कोहर्सन या जो फोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एनार्किज्म क्रिएट कर रही थी सोसाइटी में। तो आपने अगर इंडियन जो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं उनको पढ़े होंगे, पॉलिटिकल थॉट जब हम एंशियंट इंडिया के पढ़ते हैं
तो उसमें हमें मिलता है ना कि लोग इन सब चीजों से परेशान होकर फिर जाते हैं गॉड के पास, और फिर वहां पे जो गॉड है वो राजा को क्रिएट करते हैं मनु को, और फिर वो रूल करते हैं। तो ये हमने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल भी सेम डिवाइन थ्योरी इसी चीज़ को सपोर्ट करती है कि इस तरीके की अनार्की वाली सिचुएशन से डील करने के लिए, बाहर आने के लिए गॉड ने क्या किया, स्टेट को बनाया ताकि लोगों का वेलफेयर किया जाए, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व किया जा सके। ये डिवाइन थ्योरी क्या बैकग्राउंड है। ओके, सो किंग क्या हो गया आपका, एजेंट ऑफ दी गॉड। मतलब अब गॉड तो हर जगह जाकर रूल नहीं कर सकते हैं पृथ्वी में, अगर गॉड को तो हेवन में रहना है, राइट। गॉड का अपना किंगडम है, तो गॉड ने अपने एजेंट को बनाया, दैट इज किंग, और किंग को पावर दी। तो किंग यहाँ पर क्या हो गया, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और किंग को जो रूल करने की अथॉरिटी दे दी गई। ओके, इस तरीके से आप देखोगे कि जो लोग हैं वो किंग के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, और अगर किंग के अगेंस्ट में जाते हैं तो दैट इज अ सिनफुल एक्ट। क्यों? क्योंकि किंग के अगेंस्ट के जाना मतलब गॉड के अगेंस्ट में जाना। क्योंकि किंग तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है, राइट। इसके बाद से जो गॉड जो किंग है उसके जो वर्ड्स होंगे, वो जो शब्द कहेगा, जो बोल दिया वही लॉ बन गया, और जो किंग के एक्शन है वो कभी अनजस्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। वो हमेशा जस्ट जस्ट होंगे, क्योंकि राजा तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, राजा कभी गलत नहीं कर सकता। राजा जो भी काम करेगा, जो भी एक्शन करेगा, वो लोगों की भलाई के लिए करेगा। दिस वॉज द फेथ, दिस वॉज द बिलीफ। ओके, सो डिवाइन थ्योरी इन सारे फैक्टर्स को सपोर्ट करती है। अब जब स्टेटलेस सोसाइटी में आपने देखा कि इस तरीके की सिचुएशंस प्रेजेंट थी, तो स्टेट को बनाया जाना था, तो अब स्टेट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करनी थी ना भाई। अगर आप स्टेट को बना दोगे या किंग को बना दोगे कि मैं रूल करूंगा, तो लोग उसे क्यों क्यों उसको गवर्न होने देंगे, या राजा की बात को क्यों मानेंगे, क्यों ओबे करेंगे। तो उसको लेजिटिमेसी देने के लिए जो किंग की पोजीशन थी उसको क्या है, डिवाइन गॉड से जोड़ दिया गया। अब गॉड से जोड़ दिया गया तो अब ये जो किंग है इसको ओबे करना ह्यूमन बीइंग या जो सिटीजन्स थे, जो पीपल्स थे सोसाइटी के, उनकी रिलीजियस ड्यूटी बन गई। और ह्यूमन बीइंग रिलीजियस ड्यूटी को तो बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करते थे, जो रिलीजियस ड्यूटी थी उसके अगेंस्ट में कभी नहीं जाते थे। तो इस तरीके से किंग की अथॉरिटी को लेजिटिमेसी प्रोवाइड की गई। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड। सो अभी बात करें अगर फीचर्स की, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो पहला तो यही कि जो स्टेट को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, गॉड के द्वारा बनाया गया, डिवाइन ओरिजन है। ओके, और किंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का अर्थ पे। और इसलिए जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी उनको किंग को ओबे करना उनकी रिलीजियस ड्यूटी बन गई। देन अथॉरिटी ऑफ द किंग को एक्सेप्ट इसलिए किया गया, लेजिटिमेसी इसलिए प्रोवाइड की गई, क्योंकि वो डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो किंग की अथॉरिटी है उसको लेजिटिमेट कर दी गई इन द नेम ऑफ गॉड। जब लेजिटिमेट हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली पीपल उसे एक्सेप्ट करेंगे, ओबे करेंगे। गेटिंग इट? सो इन एंशियंट इंडिया का हमेशा एग्जाम्पल याद रखना और इसे देना भी आप जो धर्मा। सो आप देखोगे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बैकग्राउंड में कि किस तरीके से मनुस्मृति में राजा को बनाया गया था। सोसाइटी में इनजस्टिस था, अनार्की थी, उससे डील करने के लिए किंग की अथॉरिटी बनाई गई, और बहुत उस जो किंग था उसे धर्म जो रूल्स थे बहुत सारे उनको फॉलो करना था, वर्ना सिस्टम को प्रोटेक्ट करना था, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद से नेक्स्ट फीचर्स क्या है कि जो ये रूलर है, जो किंग रहेगा ना, ये अपनी पावर गॉड से डराइव कर रहा है। तो अब जब गॉड से डराइव कर रहा है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो किंग का भी तो मोरल पर्पस हो जाएगा यहाँ पर ना भाई। किंग के ऊपर भी तो कोई कंट्रोल होगा, तो किंग के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, गॉड का हो गया, कि भाई अगर किंग ने अपनी ड्यूटीज को नहीं परफॉर्म किया सही तरीके से तो गॉड उसे पनिशमेंट देगा। तो किंग के ऊपर जो अथॉरिटी था, जो रूलर था, उसके ऊपर मोरल सैंक्शन आ गया। मोरल सैंक्शन क्या, कि उसको भाई गॉड ने बनाया है और लोगों को सर्व करने के लिए बनाया है, लोगों के भलाई के लिए बनाया है। तो दिस वॉज द मोरल पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट या जो किंग या मोनार्की था। देन किंग किसके लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, सिर्फ गॉड के लिए।
किंग जो भी एक्टिविटीज करेगा, जो भी एक्शन लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उस वो सिर्फ अपने डिसीजंस के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ गॉड के प्रति। इसको सिंपल ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो आप किसके किसको आंसरेबल होते हो? अपने माँ बाप को ना, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो आपके गार्जियंस हैं। तो आप उनको आंसरेबल हो ना कि आप नेबर्स को? आपने फॉर एग्जाम्पल डिसीजन लिया है कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे आपने ग्रेजुएशन के बाद, और ग्रेजुएशन में आपने बीए चूज किया, पड़ोसी कह रहे हैं कि नहीं आपको बीटेक करना चाहिए, ये वो क्यों चूज किया ये? तो आप बोलोगे ना कि भाई मैं आपको क्यों आंसर दूं कि मैंने क्यों चूज किया? मेरे माँ बाप को मैं अपने गार्जियंस के लिए आंसरेबल हूँ, दैट्स इट। तो इसी तरीके से जो किंग है वो अपनी एक्टिविटीज, अपने एक्शन के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, आंसरेबल थे? सिर्फ गॉड के लिए, ना कि जनता के लिए। ओके okay? जबकि डेमोक्रेसी में यही जस्ट अपोजिट होगा। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो भी करेगी वो किसके लिए आंसरेबल होगी? जो वोटर्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए आंसरेबल है। क्योंकि भाई हमने वोट दे के आपको गवर्नमेंट में बिठाया है, सो आप हमारे लिए आंसरेबल हैं, राइट? ओके, सो इसके बाद से नेक्स्ट है कि किंग है वो सभी लॉ से ऊपर है। क्योंकि हमने देखा जो किंग बोल देगा उसके वर्ड ही लॉ हो जाएंगे, उसके जो एक्शन है वो कभी अनजस्ट नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए होंगे। तो किंग हमेशा लॉ से ऊपर हो गया, क्योंकि जो किंग है वो उसको सिर्फ किसके प्रति आंसरेबल है? सिर्फ गॉड के लिए। तो इसी तरीके से जैसे महाभारत का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एंशिएंट जो एंशिएंट इंडिया के एग्जाम्पल्स में से मनुस्मृति का दे देना, महाभारत को दे देना, कि कैसे पीपल्स ने गॉड को अप्रोच किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो एक रूलर बनाए ताकि सोसाइटी में जो अनार्की था और जो जिस तरीके की सिचुएशंस प्रेजेंट थी उनसे डील किया जा सके। नेक्स्ट था कि जो गॉड ने स्टेट को क्रिएट किया किस लिए किया था? टू सेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। क्योंकि किस तरीके के आप देख रहे हो कि सोसाइटी में अनार्की प्रेजेंट थी, जो पावरफुल लोग थे वो जो वीकर सेक्शंस थे, वीकर पीपल थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी छीन ले रहे थे, कोई किसी का भी प्रॉपर्टी छीन ले रहा था, और जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे उसको रिजॉल्व करने की प्रोसीजर्स नहीं थी। तो ह्यूमैनिटी ना जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस में थी, अनार्किज्म था, उसे डील करने के लिए गॉड ने स्टेट बना दिया। और गॉड तो जाकर रूल नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना डेप्यूटी भेजा, अपना रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट भेजा इन द नेम ऑफ किंग। तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजन। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला तो अनसाइंटिफिक थ्योरी के रूप में लोग कहते हैं कि ये तो रिलीजियस इन नेचर है, फेथ के पे बेस्ड है, कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। तो जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है मॉडर्न टाइम पे, इन सब थ्योरीज को रिजेक्ट किया जाने लग गया। देन इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो अगर आपने गॉड ने बनाया है ये सब चीजें हैं कि, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है, फिर ह्यूमन बींग का तो कोई रोल ही नहीं है ना। किंग जो रूल कर रहे हैं, अथॉरिटी इंजॉय कर रहा है, राइट, लोगों को गवर्न कर रहा है, बट पीपल्स के लिए ही वो आंसरेबल नहीं है। ओके okay? इसके बाद से ये रिलीजियस थ्योरी है। तो मॉडर्न टाइम पे आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल इंक्वायरी को कैसे सेकुलर बनाया गया, मतलब रिलीजन एक अलग डोमेन है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग डोमेन है, दोनों में सेपरेशन की गई। तो इसकी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म। देन इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर लोग बोलते हैं, राइट? क्योंकि किंग अगर कुछ भी अगर लोगों ने किंग ने कुछ गलत किया और लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो एक सिन था, वो पाप होता था, राइट? तो किंग फिर कुछ भी क्राइम करता रहे सब चलता रहेगा, तो इसलिए कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉट एप्लीकेबल इन द मॉडर्न स्टेट्स, हमने देख ही लिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? कुछ तो अच्छाइयाँ थी इसमें, तो कैसे इसकी इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे? तो हमने देखा कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी से स्टेट को लाकर या किंग की अथॉरिटी को लाकर सोसाइटी में एक थोड़ी सी हार्मनी और स्टेबिलिटी या पीस लाने की कोशिश की गई थी, राइट? लेकिन उस तरीके ये जो आपका ये जो जो हाईएस्ट गुड ऑफ द थ्योरी रही स्टेट की, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाया सोसाइटी में, डिसिप्लिन इन्फोर्स किया, जिसकी वजह से सोसाइटी में हार्मनी इस्टेब्लिश की जा सकी थी, राइट? और जो अनारिकल कंडीशंस था इसे डील किया जा सका था। देन जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रूलर की, भाई
जो किंग है वो भी तो गॉड को मानेगा ना, तो किंग भी गलत नहीं करेगा क्योंकि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गॉड के प्रति आंसरेबल है। अगर किंग कुछ गलत करेगा तो गॉड उसे पनिशमेंट देंगे। ओके, तो इस तरीके से चीजें, ये कुछ पॉजिटिव थिंग्स थी, कुछ सिग्निफिकेंस थे इस थ्योरी के, जिसने सोसाइटी में कुछ पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी। व्हाट आर द कॉजेस टू डिक्लाइन ऑफ द डिवाइन थ्योरी ऑफ अ स्टेट? तो बहुत सारे कारण थे जो ये जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द थ्योरी है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुई, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में बढ़ती है, राइट, और डेमोक्रेटिक आइडियाज ग्रो करते हैं, स्प्रेड होते हैं और अक्रॉस द ग्लोब, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इस थ्योरीज को रिजेक्ट किया जाने लगा, क्योंकि अब लोगों का जो आउटलुक था ना, जो टेम्परामेंट था, वो साइंटिफिक होने लग गया। अभी वो फेथ पे नहीं, लॉजिक पे, साइंटिफिक में, इम्पीरिकल थ्योरीज पे बिलीव करने लग गए। ओके, देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जैसे जैसे आई तो लोगों ने इसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ द स्टेट को लेकर, जिसकी वजह से डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट लोगों को थोड़ी सी इलॉजिकल लगने लग गई। देन सेपरेशन हुआ चर्च का फ्रॉम द स्टेट, सेकुलरिज्म आया तो रिलेवेंस कम हो गया रिलीजन का पॉलिटिक्स में। देन इमरजेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, तो जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि डिवाइन पावर, डिवाइन रूलिंग अथॉरिटी जैसे कॉन्सेप्ट थोड़े कहीं ना कहीं डाइल्यूट होंगे। देन साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, जिसकी वजह से इम्पेरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब चीज़ों में फोकस किया गया, और जो ये फेथ था, जो वैल्यूज थी, इनकी जो जो रेलेवेंस थी वो कम होती गई। तो ये कुछ डिक्लाइन के कारण थे। तो होप सो कि आपको इनफ कंटेंट मिल गया होगा आज, आपको इस पर आंसर लिखने के लिए इनफ कंटेंट है। इतने सारे डायमेंशन और पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिख दोगे तो मोर देन इनफ है, कर सकते हो। बट हाँ, फिर मैं कहूँगी एग्जाम्पल्स जरूर कुछ कुछ यूज़ कर लेना, और भी, जैसे मैंने महाभारत का यूज़ किया, मनुस्मृति का यूज़ किया, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।